हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बुरी हूँ क्योंकि मैं वाटर पार्क में गई थी, तो मैं छपाक छपाक नहाई हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है। एक्चुअली मेरे शहर में एक वाटर पार्क खुला है जो कि पहली बार खुला है। इसके पहले मेरे शहर में वाटर पार्क नहीं था। और मेरा शहर दरभंगा है और यहाँ पे वाव वाटर पार्क खुला है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ जा कर के कि मेरे शहर में भी वाटर पार्क खुला है, देखते हैं कैसा है। और क्योंकि पहली बार है तो बहुत ज़्यादा अच्छा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसने अपने हिसाब से पूरी व्यवस्था की है और मैं खुश हूँ और चाहूँगी कि धीरे धीरे वो वाटर पार्क और भी बहुत अच्छा बने। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे भी वाटर पार्क का नाम रोशन हो और ये भी कभी ना कभी टॉप 10 के लिस्ट में आए, मैं तो यही चाहती हूँ। बाकी अब ये तो मैनेजमेंट के ऊपर है कि आगे वो क्या करने वाले हैं। फिलहाल बहुत सारी सुविधाएं बहुत अच्छी है और थोड़ी बहुत सुविधाएं ऐसी भी है जिस पे उन्हें ध्यान देना पड़ेगा, लाइक जो साउंड बॉक्स वगैरह होता है उसके वो रखने का जगह उनका सही नहीं था। थोड़ा सा मतलब उनको रखना चाहिए था वहाँ जहाँ से जब लोग पानी में होते हैं तो डायरेक्ट उनको साउंड सुनाई दे, जस्ट पानी के अगल बगल। लेकिन उसने थोड़ा सा दूर रखा था। प्लस दूसरी बात ये कि गाना बजाने का मतलब जो उसमें जो म्यूजिक वगैरह होता है उसका उन्हें थोड़ा सा कम तरीका पता है, क्योंकि जो वाटर पार्क में मेरे ख्याल से ज़्यादातर भोजपुरी गाना वगैरह बजता है या फिर कुछ ऐसे सॉन्ग्स बजते हैं जिससे जो लोग आए हैं वो डांस अच्छी तरीके से कर सके। तो वहाँ पे मैं कुछ गाना का इशू देखूँ, क्योंकि अब वो मतलब मैं बुराई नहीं करना चाहती बट मैं चाहती हूँ कि मेरा जो वाटर पार्क है वो बहुत ही अच्छा हो जाए। तो उसने बजा रखा था बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी ससुराल मिले, और थोड़ा बहुत एक दो सॉन्ग है जो मतलब मैच नहीं करता है बिल्कुल भी। और ये सॉन्ग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, प्लस वो जो साउंड बॉक्स है उसका भी जगह चेंज करना पड़ेगा। साथ ही वहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जो खास करके जहाँ पानी का अप डाउन होता है वो मुझे सबसे बेहतर लगा, क्योंकि पटना के छपाक में भी वैसा नहीं है जहाँ यहाँ जो यहाँ पे है, और वो काफ़ी मज़ेदार था। लेकिन बस थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो अगर ये वीडियो उन लोग तक पहुँच पा रही है तो हमारे वीडियो को देख करके आप लोग कभी भी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ वहाँ जा करके। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे शहर का वाटर पार्क है तो टॉप 10 के लिस्ट में रहे, हमेशा नाम बना रहे और खूबसूरती का प्रतीक हो, लोग जाना पसंद करे, दूर दूर से आना पसंद करे। और मेरे बात से बुरा मत मानिएगा और थैंक यू सो मच। प्राइस भी आप लोगों ने सही रखा है बट क्योंकि पहली बार है तो प्राइस थोड़ा सा कम होना चाहिए, बट पर पर्सन 500 रुपया है और जो बच्चे हैं उसके लिए 450 या 400 ऐसे है, और जो आर्मी पुलिस वगैरह ये सब है तो उन लोगों के लिए 800 रुपया है। तो अब इस टॉपिक पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोलूँगी इस टॉपिक पे, लेकिन फर्स्ट टाइम है तो आई थिंक पैसा आपको थोड़ा सा कम रखना चाहिए था। तो इससे आपको ही फायदा होता है कि लोग भारी संख्या में जाते, और जो एक बार जाता है वो दोबारा भी आता है। और मैं 2 बार वाटर पार्क गई हूँ, तो पहले बार में पानी थोड़ा सा मुझे गंदा लगा था, लेकिन दूसरी बार ये देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा कि पानी बहुत ज़्यादा साफ हो चुका था और पहले की तरह उसमें गंदगी नहीं थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दो चींटी मर जाते हैं क्योंकि उसके आसपास थोड़ी सी गंदगी है, और ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ड्रेस आपने बहुत ही अच्छा तैयार किया है, ड्रेस बहुत ही अच्छा था हम लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्रेस था, क्योंकि मैं बहुत अलग अलग जगह पे गई हुई हूँ वाटर पार्क में, बट मुझे सबसे बेस्ट वाव वाटर पार्क का ड्रेस लगा। साथ ही वाव रेस्टोरेंट भी बहुत ही अच्छा है और उसका खाना भी बिल्कुल वाव के जैसा है, बहुत ही सुपरहिट है, और मैं खुश थी उसका खाना खा करके, बहुत ही अच्छा लगा। और प्लस अंदर में आप लोग को छोला भटूरा मिल जाएगा, और जस्ट मतलब जहाँ टिकट वगैरह कटता है वहीं जस्ट आपको वाव रेस्टोरेंट मिलेगा जिसमें वाव खाना ही है, आप खाना खाते ही बोलेंगे वाओ। सच में खाना बहुत ही अच्छा था। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैंने वाओ वाटर पार्क के बारे में अपनी राय दे दी है। आप लोग भी अगर अभी तक नहीं गए हैं तो जल्दी जल्दी जाइए,
क्योंकि अब सीजन खत्म होने वाला है, बरसात का मौसम आएगा, फिर ये सब बंद हो जाएगा। जितने लोग नहीं गए हैं जल्दी से जाइए और जाकर के एंजॉय कीजिए, क्योंकि बहुत ही मज़ा आया था सच्ची में। जो रेनफॉल वगैरह था ना, वो सच में सबसे अलग हटके था, बहुत ही मज़ेदार था। बस थोड़ा सा साउंड बॉक्स का प्रॉब्लम था। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। और वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो पे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।